हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर एट करेंगे, साइंस का बॉडी मोमेंट। बॉडी मोमेंट क्या होता है इस चैप्टर में हम जानेंगे, ठीक है। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मोमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मोमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीद। देयर आर सो मैनी मोमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडीज, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत तरह के मोमेंट जो है कि होते रहते हैं, जिनका कि हम ध्यान नहीं देते। वेन वी आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। जब हम नोटबुक में लिख रहे होते हैं तो हम अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहे होते हैं? ओबियसली हैंड, हैंड से हम लिखते हैं, तो इसलिए हम जो है अपने हैंड को मूव कर रहे होते हैं। और वेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड्स, और जब जो है हमको टर्न होना होता है तब जो है क्या मूव करते हैं हम? अपने नेक को मूव करते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। जैसे कि हम जब सेम प्लेस पे होते हैं तब भी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। द सेम प्लेस इन दिस एग्जाम्पल यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू गेट अप एंड गो टू योर द टीचर आर टू द स्कूल कंपाउंड आर गो होम आफ्टर स्कूल। यू वॉक, रन, स्कीप, जम्प, मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कौन कौन सी तरह के मूवमेंट का यूज करते हैं? तो इसमें जो है कि हो जाएगा वॉक, रन, स्कीप, जंप, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए हम जो है वॉक करते हैं या रन करते हैं, स्किप करते हैं या जंप करते हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। 8.1 में हम देखेंगे कि कौन से एनिमल जो है किस तरह का मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि काउ जो है, काउ का मूविंग ऑर्गन जिससे कि वो मूव करती है वो क्या होता है? लेग होता है। और लेग से वो क्या करती है? जंप तो करती नहीं, वॉक करती है। ह्यूमन बींग भी कौन से बॉडी पार्ट से मूव करते हैं? लेग से मूव करते हैं, और ये भी वॉक भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, ठीक है। स्नैक्स जो है वो अपनी होल बॉडी से मूव करता है और वो स्लीटर करता है, वो धीरे धीरे खिसकता है। बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स में मूवमेंट के लिए कौन सा पार्ट होता है? विंग्स होती है, तो विंग्स के थ्रू वो फ्लाई करते हैं। इंसेक्ट्स में किसी किसी इंसेक्ट्स में पैर भी होते हैं और विंग्स भी होते हैं, लेग और विंग दोनों होते हैं। किसी में बस विंग्स होते हैं, किसी में केवल लेग्स होते हैं, तो उससे वो मूव करते हैं। फिश जो है, फिश में फ्लाई, फिश जो है कि फ्लाई स्विम करती है पानी में, उसके जो छोटी छोटी विंग्स होती हैं उससे वो जो है वाटर में स्विम करती है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्राउल, शेल्टर एंड स्विम, दीज आर ओनली ए फ्यू ऑफ दिस वे इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? वाई इज इट दैट मैनी एनिमल वॉक वाइल ए स्नैक स्लीटर अ क्राउल एंड ए फिश स्विम, ठीक है। तो हर एनिमल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि फ्लाई, स्विम, जंप, इस तरह से क्रॉल, स्लिटर, तो इस तरह से वो अपने जगह को चेंज करते हैं इन मोमेंट्स के थ्रू। बुजो वंडर्स अबाउट द मोमेंट इन द प्लांट। वी नो दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट डू दे सो एनी अदर काइंड ऑफ द मोमेंट। तो प्लांट्स में जो मोमेंट होता है वो जो है कि उनके जो बॉडी का ग्रोथ होता है वही उनका मोमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 8.1 पे, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मोमेंट। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मोमेंट टू बिगिन विथ। बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज ऑफ मोमेंट इन एनिमल्स, डू यू इंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? At a school, how do you move your hands and legs while doing different exercise? तो जब हम स्कूल में different exercise कर रहे होते हैं तो हम अपने body parts को किस तरह से move करते हैं? Let us try some of the many movement of our body in is capable of. तो हमारे कौन से body parts जो है कितना move हो सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। Blow an imaginary ball at an imaginary wicket, ठीक है। जैसे कि हम suppose करेंगे, कल्पना करेंगे
है कि हमारे हाथ में एक बॉल है और हाँ जो है कि हमारे सामने विकेट लगा हुआ है और वहाँ पे हमें उसको थ्रो करना है. हाउ डिड यू मूव योर आर्म्स. तो ऐसा करते हुए आप अपने आर्म्स को किस तरह से मूव करते हैं. पहले तो राउंड राउंड करते हैं, फिर चेस्ट के पास ले आते हैं, फिर दूर ले जाके और बॉल को फेंकते हैं. डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मोमेंट. तो पहले तो हम बॉल को हाथ में पकड़ के और अपने शोल्डर से अपने हैंड को सर्कुलर मोमेंट में घुमाते हैं. लाई डाउन हैंड रोटेट योर लेग एट द हिप. ठीक है, अब अपने हैंड को हम सीधा कर लेंगे और अपने अपने लेग को जो है हिप से राउंड राउंड रोटेट करेंगे. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेफ्ट लेग एट द नी. ठीक है, हम जो है अपने हाथ को एल्बो से मोड़ सकते हैं और हम जो है कि अपने पैर को जो है कि नीस से मोड़ सकते हैं. स्ट्रेच योर आर्म्स साइड वाइज. बेंड योर आर्म्स टू टच योर शोल्डर विथ योर आर्म्स टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड. स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट ऑन डाउनवर्ड. आर यू एबल टू डू इट. ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बॉडी पार्ट को डिफरेंट बॉडी पार्ट को मूव करके हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम मूव कर सकते हैं. वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव ए फ्यू पार्ट ऑफ आवर बॉडी इजली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे और इसे समझेंगे कि मोमेंट को बॉडी मोमेंट को. प्लेस इसके लेंथ वाइज ऑन योर आर्म्स. हम अपने आर्म पे जिस तरह से इस फोटो में दिखाया है इस तरह से हम एक स्केल को लेंगे और यहाँ पे बैंड कर देंगे. ठीक है, ask your friend to tie the scale and arm your together. ठीक है, now try to bend your elbow. are you able to do it. तो अगर हम यहाँ पे अपने elbow को इस तरह से scale से बांध देते हैं और अब हम अगर अपने elbow को टर्न करना चाहेंगे तो क्या कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे मूवमेंट में हम देखते हैं नेक जो हमारी रोटेट करती है, रोटेट कम्प्लीटली तो नो हो जाएगा क्योंकि ये साइड बाय साइड रोटेट करती है, अप एंड डाउन रोटेट करती है, लेकिन पूरी तरह से राउंड राउंड रोटेट नहीं करती है. ठीक है, रिस्ट है रोटेट पार्टली टर्न्स. ठीक है, रिस्ट जो है हमारी पूरी राउंड राउंड रोटेट नहीं करती है, साइड बाय साइड करती है, रोटेट पार्टली टर्न्स. और बेंड होता है, यस बेंड होता है. तो नेक के केस में अगर हम ये सारे ऑप्शन को देखेंगे तो नेक जो है बेंड होता है. ठीक है, लिफ्ट नहीं कर सकते, डज नॉट मूव एट ऑल. नहीं, ऐसा नहीं है, बेंड होता है और ये रोटेट कम्प्लीटली ये नहीं होता है. रिस्ट जो है हमारे रिस्ट रोटेट पार्टली और बेंड भी कर सकते हैं. ठीक है, फिंगर्स जो है फिंगर्स को रोटेट कम्प्लीटली, फिंगर्स को तो नहीं, यहाँ पे पार्टली बेंड भी कर सकते हैं और पार्टली रोटेट कर सकते हैं. नीज को है कि साइड बाय साइड ही हम रोटेट कर सकते हैं, तो रोटेट पार्टली एंड बेंड. एंकल जो है हमारा रोटेट पार्टली एंड बेंड तो नहीं होता, बस रोटेट पार्टली हो जाएगा. टोज भी रोटेट पार्टली एंड बेंड हो जाएंगे. बैक में जो है रोटेट पार्टली टर्न्स बेंड, तो ये रोटेट कम्प्लीटली ये कुछ भी नहीं होगा. यहाँ पे हम बैक में ये लगा देंगे, डज नॉट मूव एट ऑल. ठीक है, हेड का अगर हम देखते हैं तो हेड का पीछे तो हम घुमा नहीं सकते, तो इसको जो है हम रोटेट कर सकते हैं पार्टली और बस, और बाकी कुछ नहीं कर सकते. एल्बो का क्या है, एल्बो को हम रोटेट कर सकते हैं पार्टली और बेंड भी कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं. आर्म्स का क्या है, रोटेट कम्प्लीटली, तो आर्म्स जो है जहाँ पे हमारे शोल्डर से लगी होती है वहाँ पे हम पूरी तरह से रोटेट कर सकते हैं, पार्टली भी रोटेट कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं. ठीक है, लिफ्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने बॉडी पार्ट्स का देख लिया.
कि कौन से बॉडी पार्ट को हम कितना मूव कर सकते हैं. डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट टूगेदर लाइक एल्बो. जहाँ से हमारी बॉडी पार्ट जहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट जुड़े रहते हैं वहीं से हम अपने बॉडी पार्ट को मूव करते हैं लाइक द एल्बो शोल्डर और द नेक. दीज प्लेसेज आर कॉल्ड द ज्वाइंट्स. जहाँ पे दो बोन जुड़ी होती है उसको हम ज्वाइंट करते हैं और वहीं से हम अपने उस बॉडी पार्ट को टर्न भी कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं. कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स. इफ आवर बॉडी हैज़ नो ज्वाइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल. तो अगर हमारी बॉडी में ज्वाइंट्स नहीं होते तो हम जो है अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते. ठीक है. What exactly is joints together at these points? Press your finger against the top of the your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hand and leg, including the finger and toes. ठीक है. हम अपने finger को जो है अपने head पे, अपने face पे, neck पे, nose पे, ear पे, back of the shoulder, hand and leg पे, including पे जब हम press करेंगे. Do you get a feel of the something hard pressing against your finger? तो क्या आप जो है जब अपने फिंगर को प्रेस करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स पे जहाँ पे कि बोन होती है तो कुछ हार्ड महसूस होता है. द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन. तो जो हार्ड स्ट्रक्चर हमें फील होता है वो जो है कि बोन है, वो जो है कि बोन होता है. ठीक है. तो इंक्लूडिंग तो यहाँ पे तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी. सो मैनी बोन्स. बोन्स कैन नॉट बी बेंट. सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो. इज इट नॉट लॉन्ग बोन. फ्रॉम द अपर आर्म टू द आवर रिस्ट इज इट डिफरेंट बोन ज्वाइंट टूगेदर एट द एल्बो. सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट. ठीक है. तो जैसे कि हम अपने हैंड को जो है कि बीच से भी मोड़ सकते हैं जहाँ से कि एल्बो होती है जहाँ पे. तो यहाँ पे दो बोन्स होती है, ज्वाइंट्स होती है. तो जहाँ भी ज्वाइंट्स होते हैं वहीं से हम अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, बेंट कर सकते हैं. ठीक है. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस करेक्टली कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. तो यहाँ पे हम जो है कुछ अपने इस तरह की एक्टिविटी के बारे में देखेंगे. यहाँ पे है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी टू है रोल स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर. एक पेपर स्ट्रिप को जो है सिलेंडर की तरह मोड़ लेंगे. मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल. एक रबर या प्लास्टिक की बॉल जो हमारे पास होती है वो लेंगे अंडर ए सुपरविजन मीन्स कि बड़े लोगों की देख रेख में या तो टीचर या तो पेरेंट्स एंड पुश द ठीक है पुश द पेपर. तो यहाँ पे इसका ये फोटो दिखाया गया है कि इस तरह से कोई पुरानी बॉल लेंगे हम और इसमें जो है एक होल करके और ये जो है सिलेंडर जो पेपर का बनाया है उसको इसमें जो है हम फिट कर देंगे. पेपर सिलेंडर इनटू इट एज इन द फिगर 8.2. यू कैन आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल. पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल. इज द बॉल रोटेट फ्रीली इन साइड द बॉल. ठीक है. तो एक बॉल हम ये भी लेंगे और ये जो है एक अलग बॉल है. तो इस बॉल को जो है हम रोटेट कर सकते हैं ये जो हाफ बॉल है इसमें. तो इसी तरह से हमारे शोल्डर पे स्ट्रक्चर होता है. एक जो है हाफ बॉल होता है और इसके अंदर जो है ये बॉल होती है और इसके अंदर एक होल होता है और यहाँ से जो है हमारी बोन्स की आर्म की बोन निकली होती है और यह जो हमारा ये जो राउंड है ये जो है पूरा कम्प्लीटली रोटेट कर सकता है. तो इस तरह के ज्वाइंट को हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं. नाउ इमेजिन द पेपर सिलेंडर इन योर आर्म. ए बॉल इज इट्स एंड. द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट. द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन इज वन बोन फिट इन टू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन. ठीक है.
Such a joint allow movement in all direction. Can you name another such joint you can think of recollecting the body movements we tried at the beginning of this section. ठीक है, इसी तरह से हमारी एक joint ये भी होती है जो कि pivot means कि a ball and socket joint का ये example है. ठीक है, जो कि हमारे hip में होती है. Next type का जो joint है वो हम पढ़ेंगे pivot joint. The joint where our neck joint the head is a pivot joint. It allow us to bend. ठीक है, pivot joint कहाँ पे होता है? जहाँ पे कि हमारा head और neck की bone जो है मिलती है वहाँ पे pivot joint होता है. और यह जो है हमारे head को backward और forward and turn the head टू आवर राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, तो हम अपने हेड को जो है इस जॉइंट की मदद से लेफ्ट और राइट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड टर्न कर सकते हैं. ट्राई दिस मोमेंट हाउ, और इस मोमेंट को आप ट्राई करके देख सकते हैं. हाउ आर दिस मोमेंट डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट ए कम्प्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इन ए पाइवट जॉइंट ए सिलेंडर बोन रोटेट इन ए रिंग. ठीक है, पाइवट जॉइंट पे जो है कि इन द पाइवट जॉइंट सिलेंडर जो है एक बोन में रोटेट करता है. नेक्स्ट टाइप का जो जॉइंट है वो है हमारा हिंज जॉइंट. यहाँ पे हम जो है पढ़ेंगे हिंज जॉइंट के बारे में. ओपन एंड क्लोज ए डोर डोर ए फ्यू टाइम्स. ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली. दे अलाउ द डोर टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. ठीक है, तो यह जो हिंज होता है इसको इसी के बेसिस पे इसको हिंज जॉइंट कहते हैं. यह हिंज जॉइंट जो है किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है. ठीक है, इसके लिए हम एक दूसरी एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी थर्ड है, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ द मूवमेंट शोड बाय ए हिंज. मेक ए सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड एंड थिक कार्ड पेपर एज सोन इन द फिगर. यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है कि कार्डबोर्ड मीन्स कि थोड़ा सा हार्ड एक पेपर लेंगे और उसका इस तरह का एक सिलेंडर बनाएंगे और एक और कार्डबोर्ड ऐसे लेंगे और उसका हाफ सिलेंडर बनाएंगे. जब हम इसको इसमें रखेंगे और यहाँ पे जो है एक होल करके एक पेपर के रोल को यहाँ पे लगा देंगे. ठीक है, तो यह जो है जो मोमेंट होता है इधर से इधर इधर से इधर यह जो है कि हिंज जॉइंट की वजह से होता है. डायरेक्शन ऑफ मोमेंट अलाउ बाय ए हिंज लाइक जॉइंट. जब हिंज लाइक जॉइंट होता है तो वह जो है मोमेंट को कैसे अलाउ करता है. सॉकेट जॉइंट, तो यहाँ पे हमने देखा है कि वी सॉ दिस काइंड ऑफ द मोमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी वन. व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.4 इज डिफरेंट फ्रॉम द हिंज ऑफ कोर्स बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच ए हिंज अलाउ मोमेंट. द एल्बो हैज ए हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली ए बैक एंड फोर्थ मोमेंट. ठीक है, तो अब तक जो है कि हमने तीन तरह के जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट जो जॉइंट है वो है फिक्स्ड जॉइंट. इसमें हम फिक्स्ड जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम प्लेस एट सम जॉइंट्स. द बोन कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स. सच जॉइंट्स आर कॉल्ड द फिक्स्ड जॉइंट. देयर when you open your mouth wide you can move your lower jaw away from your head. Now are you able to move it? क्या आप जो है अपने अपर जॉ को मूव करने में एबल हैं? तो नहीं, हम जो है अपने लोअर जॉ को ही मूव कर सकते हैं, अपर जॉ को मूव नहीं कर सकते हैं. वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स. इफ यू वांटेड टू मेक ए डॉल व्हाट विल यू मेक फर्स्ट. जैसे कि अगर हमें एक डॉल बनानी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एक जो है एक फ्रेम बनाएंगे. ठीक है,
the bone in our body also form a framework. ठीक है, तो कोई अगर हमें डॉल बनानी होगी तो सबसे पहले हम जो है उसका एक फ्रेमवर्क बनाएंगे. ठीक वैसे ही जो है कि बोन्स जो है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन, और इस फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं. हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन इन आवर बॉडी. ठीक है, तो जब हम अपने बॉडी का जो है एक्सरे करते हैं तो एक्सरे के बाद जो है बोन्स की जो शेप निकलती है वहाँ से भी हम जान सकते हैं. फील द बोन इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग. ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन इन ईच पार्ट. सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल. ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्सरे है इसके माध्यम से जब हम जो है बोन्स का एक्सरे निकालते हैं तो उसमें जो शेप दिखते हैं वही जो है हमारे बोन के शेप होते हैं. और जो है जब हम अपने बॉडी पार्ट्स को टच करते हैं, प्रेस करते हैं, तब भी हमें जो है कि बोन्स जो है फिल होती है, फिल कर सकते हैं. एक दूसरी एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 4, टेक ए डीप ब्रीद एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल. ठीक है, हम एक डीप ब्रीद लेंगे और उसको रोक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए. फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल. ठीक है, ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम. ठीक है, अपने बैक से और अपने पेट के साइड से, स्टमक के साइड से और बैक के साइड से हम जो है जब सांस लेते हैं तो अपने पीठ चेस्ट को जो है दबाएंगे अपनी फिंगर से और काउंट करेंगे कि कितनी रिब्स बोन होती हैं. ये जो रिब्स बोन होती हैं हमारे चेस्ट में, इसको रिब केज कहते हैं. और ये जो है बोन से मिल के बना होता है, इसको रिब बोन्स कहते हैं. बोन ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल. ऑब्जर्व फिगर 8.9 केयरफुली चेस्ट बोन. वी सी दैट द रिब्स आर curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. ठीक है, तो ये जो है हमारी इस बोन को स्टर्म कहते हैं. और ये पीछे जो है ये बैक बोन है जो सीधी लंबी हड्डी होती है, और यहाँ से ये हड्डियाँ निकल के आती है और आगे हमारे चेस्ट में आके इस तरह से यहाँ पे मिल जाती है इस तरह से. तो जो है कि ये बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ एक केज बनाई रहती है जिसके अंदर की हमारा लंग जो है प्रोटेक्टेड रहता है. ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज. आस्क ए फ्रेंड टू टच दिस टोज विदाउट बींग बेंडिंग हिज नीज. अगर जो है हम अपने नीज को फोल्ड नहीं करें और बेंड होके जो है अपने टोज को टच करना चाहें, पुट योर फिंगर एट द सेंटर ऑफ हिज पुट योर फिंगर एट द सेंटर ऑफ हिज बैक. कैन यू फील सम लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर. तो जब हम अपने बैक के साइड में इसको फील करना चाहें तो हम कर सकते हैं अपने बैक बोन को. इसका शेप जो है कुछ इस तरह से होता है, जो हमारी गर्दन के अपर पार्ट से स्टार्ट होके यहाँ तक जाती है बैक बोन. यू फील इज हिज बैक बोन. इट इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन एंड रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स. और यह जो हमारी बैक बोन होती है ऐसी नहीं कि ये पूरी एक ही हड्डी होती है, नहीं, इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ जो है ये छोटी छोटी हड्डियाँ जो है मिल के इस तरह से ये जॉइंट होती हैं. ठीक है, और इस तरह से यह जो है बैक बोन बनाती है. अगर हम इधर जाते हैं, मेक योर फ्रेंड स्टैंड with his hand press to a wall. Ask him and try to push the wall. Do you see two bones standing where this shoulder are? They are called the shoulder bone. और हम जो है शोल्डर बोन को फिल करने का एक तरीका ये है कि जब जो है कि
कि हम जो है उल्टे मुंह दीवार के साइड मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से जब हम दीवार को प्रेस करेंगे तो पीछे के साइड बैक के साइड हमारी दो बोन जो उभर के आती है वही हमारी शोल्डर बोन होती है। अब फिगर 8.12, अब हम इस फिगर की बात कर रहे हैं। This structure is made of the pelvic bone. Pelvic bone, they enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. जिसपे कि हम बैठते हैं वो ये पार्ट होता है। The skull is made up of the many bones joined together. It enclose and protect a very important part of our body, the brain. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ये, और यहाँ पे एक ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है हमारा स्कल है, इस बोन को, इस पूरे को स्कल कहते हैं। और स्कल इज मेड अप ऑफ, तो स्कल जो होता है हमारा बहुत सारे बोन से मिल के बना होता है। और इस स्कल के अंदर जो है हमारा ब्रेन होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। वी डिस्कस द मैनी बोन्स एंड द ज्वाइंट ऑफ आवर स्केलेटन, दीज आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द skeleton that are not as hard as the bone and which can be bent, these are called the cartilage. ठीक है, तो अभी तक हमने तो अपने बॉडी के कुछ बोन्स के बारे में पढ़ा और कुछ ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे जो है हम कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको कि हम कार्टिलेज कहते हैं। फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट्स दैट कैन बी बेंट। तो आप अपने ईयर को जब इस तरह से पकड़ते हैं तो यह जो है थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता जितने की बोन होती है। और हम इसको चाहें तो पकड़ के टर्न भी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे इसको फोल्ड कर सकते हैं। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन, तो यहाँ पे कोई हार्ड बोन नहीं होती है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट एज यू प्रेस दिस देम बिटवीन योर फिंगर। ठीक है, डू यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज द बोन, इज नॉट इट, दिस इज द कार्टिलेज। ठीक है, तो यह जो हमारी बॉडी में जो भी पार्ट कार्टिलेज के बने होते हैं ये हार्ड तो होते हैं, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं होते हैं जितने की बोन होती है, और इतने भी सॉफ्ट नहीं होते हैं जितने की स्किन या मसल होती है। इज आल्सो फाउंड इन द ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी, और ये कार्टिलेज जो है हमारे बॉडी में ज्वाइंट्स पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेज, यू कुड सी बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोट। और हम जो है हमें जो है अपने बॉडी के स्केलेटन का एक फिगर बनाना है। When we learnt about the bone in our body and about the joints that help us move in different way, what make the bone move the way they do, let us find out. Make a first with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. You see any changes in your upper arm, touch it with the other hand. Do you feel a swollen region inside your upper arm? This is called the muscle buzz due to contraction. It becomes smaller in the length. तो जो भी मसल मैन होते हैं जो है अपने हाथ के मसल को जब फुलाते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे जैसे दिखाया गया है इस तरह से ये अपने हैंड को टर्न करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा उभार दिखता है, ये मसल्स के कंट्रैक्शन का होता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म्स बैक टू इट्स नॉर्मल, अब जो है हम अपने आर्म को बैक टू नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पोजिशन। व्हाट हैपेंड टू द मसल, इज इट स्टिल कंट्रैक्टेड, यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग, मसल इन योर लेग व्हेन यू
walk or run. When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thick. It pulls the bone. Muscle work in pair. Muscle जो है pair में work करती है. When one of them contracted, the bone is pulled in that direction. The other muscle of the pair relax to move the bone in a opposite direction. The relaxed muscle contracts to pull the bone towards its pull the muscle towards says contraction of muscle in your leg when you walk or run. When contract, the muscle becomes shorter and stiffer and thick. Muscle work in the pair. When one of them contract, the bone is pulled in that direction and the other muscle of the pair relax. तो जो यहाँ पे कह रहा है कि मसल जो है पेयर में वर्क करती है, जब हमारी एक मसल जो है कंट्रैक्ट करती है तो एक रिलैक्स होती है, और जब दूसरी कंट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स होती है. मीन्स कि अगर दो बोन्स हैं, जैसे कि दो लोग हैं और वो पेयर में काम कर रहे हैं, तो दो लोगों में से एक लोग काम कर रहे हैं, एक लोग रिलैक्स कर रहे हैं, फिर जब दूसरा लोग काम कर रहा है तो पहले वाले लोग रिलैक्स कर रहे हैं. तो इस तरह से मसल में भी होता है. चलो अब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे अर्थवर्म को लेके एक एक्टिविटी करनी है. ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन द सॉइल इन ए गार्डन. जब हम गार्डन में देखते हैं कोई अर्थवर्म को रेनी सीजन में घूमते हुए, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन द पीस ऑफ द ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर. तो हम इस अर्थवर्म को उठाएंगे और ब्लॉटिंग पेपर पे रखेंगे. ऑब्जर्व इट्स मोमेंट, इसके मोमेंट को देखेंगे. देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस. और फिर हम इसको किसी स्लिपरी सरफेस पर रख देंगे. ऑब्जर्व इट्स मोमेंट नाउ, इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड अ पेपर. ठीक है, तो जब हम इसके मोमेंट को देखेंगे, मीन्स कि जब हम एक बार तो इसको उठा के हम ब्लॉटिंग पेपर पर रखेंगे और इसके मोमेंट देखेंगे, फिर एक ग्लास में ग्लास प्लेट पर रखेंगे जो कि स्लिपरी है और वहाँ पर देखेंगे फ्रॉम द पेपर. डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजली ऑन द हार्ड स्लिपरी सरफेस. ठीक है, द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड. एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स. एक अर्थवर्म के पास जो है बोन्स नहीं होती है. इट हैज मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट. द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड. देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीज द रियर एंड. ठीक है, तो इस तरह से यह अपने बॉडी के फॉरवर्ड पार्ट को मूव करता है, पीछे को, और जो है रिलैक्स करता है, और इस तरह से यह जो है मूव करता है. ठीक है, तो अर्थवर्म कैसे मूव करता है, इसमें जो है बोन नहीं होती है, केवल मसल होती है. अपने मसल को स्ट्रेच करता है और थोड़ा आगे बढ़ता है, वहाँ पर जाके अपने अपने माउथ को होल्ड करता है और पीछे से जो है अपने मसल्स को रिलैक्स करके आगे बढ़ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मोमेंट है बॉडी का अर्थवर्म में वो कैसे होता है. इसमें बोन्स तो होती नहीं है, मसल के हेल्प से होता है. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो स्नेल होते हैं वो कैसे मूव करते हैं. कलेक्ट ए स्नेल फ्रॉम ए गार्डन. हम गार्डन से एक स्नेल को कलेक्ट करेंगे. हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरी ऑन इट्स बैक. यह जो एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि स्नेल ये जिसके कि अंदर ये स्नेल रहता है, और जब इसको मूव करना होता है तो ये अपने माउथ को इधर और टेल को इधर इस तरह से करके निकलता है. दिस इज कॉल्ड द सेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स. दिस सेल्स इज अ सिंगल यूनिट एंड बोन एंड नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन. इसको जो है खुद ही ड्रैग करना रहता है. ठीक है, प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. वेन इट स्टार्टेड मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर हर योर हेड. ऑब्जर्व इट्स मोमेंट फ्रॉम बीनीथ. ठीक है, ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ द ओपनिंग. ठीक है, यही कह रहा है कि ये जो ओपनिंग होते हैं ये पूरा का पूरा स्नेल जो है इसके अंदर रहता है, लेकिन जब उसको मूव करना रहता है तो ये
अपने हेड को निकालता है और इसको चिपका के फिर आगे मूव करता है, इस तरह से ये मूव करता है। तो हमने मूवमेंट देख लिया कि अर्थवर्म कैसे मूव करता है, स्नेल कैसे मूव करता है। अब नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 7 में हम काक्रोच के मूवमेंट को देखेंगे। तो काक्रोच में जो है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और विंग्स भी होती हैं। तो लेग्स की मदद से ये क्रॉल करता है, वॉकिंग करता है, और विंग्स की मदद से फ्लाई करता है। नेक्स्ट हम बर्ड्स का मूवमेंट देखेंगे। तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक डक एंड द स्वान आर, तो कुछ तो बर्ड ऐसे भी होते हैं जैसे कि स्वान हो गया और डक्स हो गए, ये जो है वाटर में स्विम भी कर सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, मीन्स कि फ्लाइंग के लिए इनकी बॉडी बिल्कुल बनाई गई रहती है, वो वेल सूट करती है। देयर बोन्स, और उनके बोन भी हेलो होते हैं और लाइट होते हैं। द बोन ऑफ द हैंड लिम्ब आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, ओके। तो ये जो बर्ड्स हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो है इसके फोर लिम्ब जो होते हैं विंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हैंड लिम्ब जो होते हैं चलने के लिए मॉडिफाइड रहते हैं। फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू, देखिए बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग, यही मैंने बताया। द शोल्डर बोन आर स्ट्रॉन्ग, द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल टू फाइट विच आर यूज टू मूव द विंग, विच आर यूज टू मूव द विंग। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग अप एंड डाउन। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है 8, इसमें हम फिश के मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि फिश कैसे मूव करती है। तो एक्टिविटी 8 में हम क्या करेंगे कि एक बोट बनाएंगे और पानी पे इसको हम इस तरह से तैरा देंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ ए बोट इज समवॉट लाइक ए फिश। तो बच्चों, आपने बचपन में या अभी भी जो है पानी में बहुत सारी पेपर की बोट बना के चलाई होगी, और उस बोट की जो शेप होती है सेम जो है फिश की शेप की तरह, फिश की जो बॉडी होती है उसके शेप की जैसी ही होती है, ठीक है। द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर दैन द मिडिल पोर्सन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो फिश का जो हेड होता है और जो टेल होता है ये दोनों ही पतले होते हैं, और यहाँ पे जो है ये फिश मोटी होती है। बोट भी ऐसे ही कुछ होते हैं, पेपर बोट हो या सच में बोट, सच्ची के बोट हो, फेरी हो, ठीक है। द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर दैन द मिडिल पोर्सन ऑफ द बॉडी, द बॉडी टैपर्स एट बोथ इन द, तो फिश की जो बॉडी होती है दोनों ही इंड पे टैपर पतली होती है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइंड, ठीक है। तो इस तरह की जो बॉडी शेप होती है इसको हम स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, और इनका यह बॉडी से भी इनको जो है स्विम करने में मदद करता है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल ड्यूरिंग स्विमिंग, मसल मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। द फिश फॉर्म ए कर्व एज शोन इन द फिगर, मीन्स कि एक फिश जो है इस तरह से भी मूव कर सकती है और इस तरह से कर्व होके भी मूव कर सकती है। दिस मेक्स ए जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड, ठीक है। और यह जो है अपने इस पंख को हिला के और सारे पंख विंग्स को हिला के मूव कर सकती है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल, ठीक है। फिश आल्सो, यहाँ पे देख लेंगे एक बार कि कैसे ये अपने टेल को इस तरह से मूव करती है इस तरह से। तो ये अपने टेल को जो इसको फिन्स बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फिश, यही जो है इसके इसको जो है स्विमिंग में हेल्प करता है। फिश आल्सो हैव अदर फिन्स ऑन द अदर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर ड्राइव्स वियर फिन लाइक फ्लिपर ऑन दियर फीट
to help them move easily in water. How do snake move? Snake जो है कैसे move करते हैं? Have you seen a snake slither? Snake जो है slither means कि खिसकते हैं जमीन पे. Does it move straight? तो क्या ये जो है straight move करते हैं? तो नहीं, ये zigzag move करते हैं. Snake have a long bone. इनके body में ऐसा नहीं है कि earthworm की तरह कोई bone नहीं होती. Earthworm की body में कोई bone नहीं होती, बस muscle होती है. लेकिन स्नैक की बॉडी में बोन होते हैं. दे हैव ए मैनी थिन मसल, और मसल्स भी होती है. दे आर कंट्रेक्टेड टू ईच कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर. ठीक है, और इनकी जो बैक बोन होती है, लॉन्ग बैक बोन, यह जो है छोटे छोटे टुकड़ों में होती है और यह मसल से अटैच्ड होती है. दे आल्सो इंटरकनेक्टेड द बैक बोन, रिब्स एंड स्किन. द स्नैक बॉडी कर्व इन टू मैनी लूप्स. ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव इट ए फॉरवर्ड बूस्ट बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड सिंस इट लॉन्ग बॉडी मैक्स ग्राउंड. लॉन्ग बॉडी मैक्स मैनी लूप एंड ईच लूप गिव इट दिस बूस. द स्नैक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन द स्ट्रेट लाइन. We have learned about the use of the bones and muscle for the movement of different animal. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया muscles का, bones का, कि किस तरह से यह जो है किसी भी animal के present, animal की body में जो उसके muscle और bone present होते हैं वो उसकी movement में किस तरह से help करते हैं. An ancient Greek philosopher Aristotle in his book Gait of Animals में उन्होंने ने लिखा है, ask himself this question, why do different animal have the body parts that they do not have, and how do this body part help animal to move the way they do. ठीक है, तो किस तरह से उनके बॉडी पार्ट जो है उनके मूवमेंट में मदद करते हैं, ये जो है क्वेश्चन हम अपने आप से पूछ सकते हैं, और इसको जो है इन क्वेश्चंस को जो है कि हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं इसको कि आपको याद कर लेने चाहिए. और जो है कि बच्चों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. ठीक है, और इन चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटी है वो सारे जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं कराने वाली हूँ, तो इसलिए ज़रूर से जो है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें. धन्यवाद.